हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम की। और हाँ दोस्तों, अगर आप एक बीटेक इंजीनियर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो में जो वर्चुअल प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं, उस सर्किट का हम यहाँ पर करेंगे सिमुलेशन बाय यूजिंग दी वर्चुअल लैब डिजाइन बाय IIT बॉम्बे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च बार में टाइप करना है वर्चुअल लैब। इसके बाद जो सबसे पहला लिंक है उस पर आप क्लिक कर ले। उसके बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर ये जो लैब है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। तो नंबर थर्ड पे जो आपका लैब है डिजिटल एप्लीकेशंस लैब, इस पर आप क्लिक कर दें। इसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पर। इसके बाद आपको यहां पर काफी सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं देखने को मिल जाएंगे, लगभग आपके 14 प्रैक्टिकल्स हैं। तो आपको नंबर 5 पर क्लिक करना है। यू कैन सी सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम्स यूजिंग बेसिक एंड नॉट गेट्स। तो इस पर क्लिक कर दें। तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिमुलेशन का। तो इससे पहले हम थोड़ा सा जो थ्योरी का पार्ट है वो हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। सो थ्योरी पर क्लिक करने के बाद आप यहां देख सकते हैं काफी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। सो दिस इज योर बुलियन एक्सप्रेशन एंड दिस इज योर ट्रुथ टेबल। और यहां पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा सर्किट। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो बुलियन एक्सप्रेशन है गिवन है, ठीक है। तो वार्निंग लाइट बेसिकली आपका आउटपुट होगा, ओके। और यहां पर आपके 3 इनपुट होंगे। पहला क्या होगा कि ड्राइवर आपका प्रेजेंट होना चाहिए, दिस इज योर फर्स्ट इनपुट। दूसरा क्या होगा कि जो सीट बेल्ट है आपने लगा के नहीं रखी है, ओके, आपने सीट बेल्ट नहीं लगा के रखी है। और तीसरा क्या होगा, जब आपने कार को स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, इग्निशन ऑन, दैट मींस आपने इंजन चालू कर लिया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है इसको हमने यहां पर सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। जो ड्राइवर है उसको हमने डी लिख लिया है, और जो आपका बेल्ट है बकल्ड है उसको हमने बी लिख लिया है, बी बार, और आपका इग्निशन को हमने लिख लिया है यहां पर आई। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ टेबल फॉर दिस बुलियन एक्सप्रेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी आपके 3 इनपुट होंगे, ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम आपके 8 हो सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। 8 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास यहां पर गिवन है। अब यहां पर जितने भी आउटकम हैं, ठीक है, 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ एक ही आउटकम है जिस केस में आपका आउटकम हाई है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपका वार्निंग लाइट है वो आपका हाई हो जाएगा, ठीक है, ऑन हो जाएगा। तो यहां पर आप देखें जो डी है, डी में आपको यहां पर 1 मिल जाएगा, इसका मतलब है ड्राइवर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। दूसरा आपका जो सीट बेल्ट है, ठीक है, वो 0 है, इसका मतलब क्या है, आपने सीट बेल्ट लगा के नहीं रखी है, ठीक है, इसलिए 0 है। और आई का मतलब क्या है, इग्निशन, यानी आपने इंजन यहां पर चालू कर दिया है, ठीक है, स्टार्ट कर दिया है, तो 101, ठीक है। तो ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है इसके हिसाब से यहां पर ये जो आउटपुट है वो आपका हाई हो जाएगा, और आपके जो बाकी केसेस हैं उसमें आपका आउटपुट नहीं आएगा, उसमें आपका 0-0 रहेगा। तो आपको आउटपुट कब मिलेगा, जब आपने सीट बेल्ट लगा के नहीं रखी है। तो यहां पर जो आउटपुट है इसके हाई होने का क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूं। नीचे जो सर्किट है इसको देखें आप, तो वार्निंग लाइट आपकी ग्लो हो जाएगी, ठीक है, ऑन हो जाएगी। तो ऑन होने का क्या मतलब है कि जो आपका अलार्म है वो भी आपका बीप साउंड करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर आपको 2 लॉजिक सर्किट डायग्राम्स गिवन है, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिमुलेशन की। सिंपली यहां पर क्लिक कर लें सिमुलेशन पर। तो जैसे ही आप सिमुलेशन पर क्लिक करते हैं ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपको सर्किट गिवन होगा, आप देख सकते हैं यहां पर 3 इनपुट है, ठीक है, फर्स्ट इज योर ड्राइवर प्रेजेंट एंड द सेकेंड वन इज बकल्ड अप एंड द थर्ड वन इज इग्निशन। और ये आपका आउटपुट है, W जो है आउटपुट है, आउटपुट मींस ये आपका LED है, ओके। तो चलिए इस सर्किट को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए आप कार में एंटर करते हैं, ठीक है, और ये सर्किट जो है उस कार में हमने इंस्टॉल कर दिया है। आप कार में एंटर होते हैं तो आप ड्राइवर हैं, तो हम यहां पर इस इनपुट को हाई कर देते हैं, यस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाई हो चुका है, ओके। इसके बाद आप क्या करेंगे,
जो आपकी चाबी है कार की, उससे आप कार चालू करेंगे। तो यहां पर अभी ऑफ लिखा हुआ है, तो इसको सिंपली ऑन कर दीजिए। तो यहां पर जो सायरन है, ठीक है, अलार्म है, वो आपका बीप बीप करना स्टार्ट कर दिया है। आई डोंट नो आपको आवाज आ रही है या फिर नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो आवाज सुनवा पाऊं। सो आई होप कि आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। तो इस सर्किट के अंदर जो बाकी कंडीशन है वो भी आप यहां पर सेटिस्फाई कर सकते हो। लेट से मैं इसको नो कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं ये आपका अलार्म बंद हो चुका है, और इसको भी मैं ऑफ कर देता हूं, ठीक है, तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। या फिर आप कार में एंटर होते हैं और जो सीट बेल्ट है वो आप पहन लेते हैं, लेकिन आपने कार चालू नहीं की, तब भी आपको यहां पर आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर सीट बेल्ट पहन चुके हो, तो वो तो आपकी सेफ्टी के लिए हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए उस कंडीशन में ये आपका बीप नहीं करेगा ऑब्वियसली। और यहां पर आपने अगर कार भी चालू कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, जब भी कार ड्राइव करें हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखें, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए है, क्योंकि जब भी आप कार ड्राइव करते हैं तो कोई ना कोई आपका घर पर इंतजार कर रहा होता है। तो कम से कम अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए सीट बेल्ट हमेशा लगा के रखें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।